खबर शामिल करते हैं आज कन्वेंशन हॉल इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ जिसमें जिला कसूर की तरफ से सैयद जहीरुल हसन चमसी और दीगर की शिरकत। बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा नदीम अवैसी। बाहर ले जाए बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। इस्लामाबाद ने और यहाँ पे आरिफ खान साहब ने टाइगर फोर्स को इकट्ठा किया और यहाँ पे वो कल सर्कस हुई है उसके बारे में बड़े मज़ेदार बयान दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कसूर के जिला कोऑर्डिनेटर खड़े हैं जनाब सैयद जहीरुल हसन चमसी साहब, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कल जो टाइगर फोर्स आज इधर इकट्ठी कर हुई है और साथ इन्होंने जो खान साहब ने रात की सर्कस के बारे में बातें की उनसे इनका मौका लेते हैं कि इनका क्या बयान है। जी शाह साहब, ये सारे हमारे मुल्क के अंदर जो चोर डाकू थे उन्होंने मिल के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो हमारे विजनरी लीडर हैं उन्होंने आज ये उनकी हकायक बता के चीज़ों को ये जो पैसा लूट के बाहर भागे हैं और अपनी चोरी बचाने के लिए ये अब अवाम को वोट की इज्जत देने की बात कर रहे हैं। ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं, खान साहब ने आज ऐलान किया और ये वाज़े ऐलान कि ये इन चोर डाकुओं को मुल्क में वापस लाया जाएगा और आम कैदियों की तरह जेलों में रख के इनसे जो आम का लूटा हुआ पैसा है मुल्क से जो लूट के बाहर लेके गए इनसे वापस लेके आया जाएगा। इंशाल्लाह हम खान के साथ हैं और खान ने जो आज उम्मीदें दिलाई हैं और इस कौम के लिए जो वाज़े पैगाम दिए हैं हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब इनको पूरा करेंगे और हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा जो कल जलसी हुई है गुजरांवाला में उससे कहीं ज्यादा टाइगर फोर्स की तादाद यहाँ पे नजर आ रही है। मेरा कैमरा मैन एक दफा घूम के सारे पंडाल को दिखाएगा कि ये देखिए जो कल सर्कस हुई है वहाँ पे उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे टाइगर फोर्स के जवान खड़े हैं। मैं आपको फिर शाह साहब के इसी बात पे बात करना चाहूंगा कि शाह साहब आपने जो डीजल के बारे में अवाम ने बार बार शोर किया, आपका उस डीजल के बारे में क्या ख्याल है? ये लोग अवाम के चोर हैं, इन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूट के भागे हैं और ये अब अवाम का बार बार इनको इनके गर्दन के गिर्द फंदा तंग करने के लिए खान साहब को जो गुजारिश की है और खान साहब ने आज जो वादा किया है इंशाल्लाह इन सब चोर डाकुओं का एहतसाब होगा और ये हमारे लोग इंशाल्लाह खान की हुकूमत में देखेंगे ये एहतसाब होता होगा। सूरत में हो मुल्क में कोई हंगामी सूरत हो किसी तरह की भी जरूरत पेश आए तो ये नौजवान जो है हम वक्त तैयार हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब की सोच को लेके आगे चलेंगे और ये एक पार्टी की सोच नहीं है, पाकिस्तान को बदलने की सोच है। लोग कहते हैं जी क्या तब्दीली आई, क्या बात, इंशाल्लाह हम हर लिहाज से आपको तब्दीली ला के दिखाएंगे इंशाल्लाह।